हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल त्रिदेव। दिस इज उपासा सिंह और आज मैं आपको हमारे जावा ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट फोर वीडियो, जिसमें हम डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। डेटा टाइप्स एक्चुअली जो हमारे जावा में दो टाइप्स के होते हैं, एक प्रिमिटिव होता है और एक नॉन प्रिमिटिव होता है। एंड आज के हमारे इस वीडियो में हम सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरफ फोकस करेंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप भी हमारा आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहला होता है न्यूमेरिक और फिर आ जाता है नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक के अंदर इंटीजर वैल्यूज होते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं। इंटीजर वैल्यू जिसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होता है, और फ्लोटिंग पॉइंट जिसमें डेसिमल वैल्यूज हो जाती हैं, जैसे कि 0.5, 0.6, 5.6 और 0.10। एंड नॉन न्यूमेरिक्स में हमारे जो पार्ट्स डिवाइडेड हैं वो है कैरेक्टर्स एंड बूलियन। बूलियन में हमारे पास सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही आके स्टोर होता है। अगर हमारे कंडीशन येस है तो ट्रू, और अगर येस नहीं है लाइक नो है तो फॉल्स। कैरेक्टर्स में हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हैं। सो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें इतने सारे डेटा टाइप की जरूरत ही क्यों पड़ी, हम किसी एक डेटा टाइप से भी तो काम चला सकते थे। मगर नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे पास अलग अलग तरह का डेटा होता है जब हम डेटा बेस में अपना डेटा सेव करते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का हम लोग यूज तभी करते हैं जब हमारे वेरिएबल्स को हमें एक डेटा टाइप में पर्टिकुलर डिफाइन करना होता है कि ये डेटा इस टाइप का है। जैसे कि हमारा नाम, नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप का हो गया, हमारी एज इंटीजर टाइप की हो गई, हमारी सैलरी वो डबल टाइप की हो गई या फिर फ्लोट टाइप की। बट अब डबल और फ्लोट जैसे दो चीजें हो गई, आप कौन सी चीज कहाँ यूज करेंगे, कहाँ हम डबल यूज करेंगे, कहाँ फ्लोट यूज करेंगे, कहाँ इंटी यूज करेंगे। सो अब मैं आपको वही सब एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि इतने सारे डेटा टाइप्स आए क्यों और सबका यूज क्या क्या है। सो हमारा ये जो बाइट है, बाइट हमारा वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो कि न्यूमेरिक के अंदर आता है, वो भी इन्यूमेरिक के अंदर भी इंटीजर की कैटेगरी के अंदर, क्योंकि इसमें हम फ्लोट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसमें हम अपनी इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। और इसकी रेंज होती है -128 से लेकर +127 तक। एंड इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। फिर आता है शॉर्ट। शॉर्ट केवल 2 बाइट का होता है, 2 बाइट मतलब 16 बिट्स का इंटीजर। ये भी हमारे इंटीजर डेटा टाइप के अंदर ही आता है। इसकी रेंज हो जाती है -32768 से +32767 तक। और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो 0 होती है, जैसे कि, और उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं शॉर्ट s=11 करके। सो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर आता है इंट। ये भी हमारे इंटीजर डेटा टाइप के अंदर आता है, मगर ये 4 बाइट्स का होता है, ये 32 बाइट्स में भी जिसको हम कह सकते हैं। एंड उसके बाद इसकी रेंज होती है जो कि आप दे सकते हैं लाइक इट्स सो ह्यूज। सो हमारे जो भी इन टाइप का डेटा टाइप होता है, वहां पे हम उसके आगे केवल इंट यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो इंट में जाके स्टोर होगा। फिर आता है लॉन्ग। ये भी हमारा एक इंटीजर टाइप में ही आने वाला डेटा टाइप है, मगर इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है, लाइक 64 बिट्स मतलब 8 बाइट्स। एंड इसकी रेंज तो आप देख ही सकते हो, ओ माय गॉड, काफी ज्यादा है। इसमें भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 हो सकती है। एंड इसको डिफाइन करने के लिए हमें लॉन्ग यूज करना होता है, लॉन्ग के बाद अपने वेरिएबल का नाम, एंड हम जो भी फिर वैल्यू डिफाइन करना चाहे वो यहाँ पे दे सकते हैं। फिर आता है हमारा फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप के अंदर आता है और इसका साइज होता है 4 बाइट, जो कि 32 बिट्स के अंदर आता है, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0.0f करके होती है। अगर हमें फ्लोट का कोई वेरिएबल क्रिएट करना है तो पहले हम फ्लोट देते हैं, फ्लोट के बाद वेरिएबल का नाम, और उसके बाद हम जो भी अपनी वैल्यू देंगे उसके आगे f लिखना होता है, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि ये वैल्यू हमारी फ्लोट टाइप की वैल्यू है। डबल टाइप का जो डेटा टाइप होता है वो 8 बाइट्स का होता है, मतलब कि 64 बिट्स, और ये भी फ्लोट टाइप के डेटा टाइप के अंदर ही आता है, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0.0d होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डबल टाइप का डेटा टाइप बनाना है तो वो डबल, फिर वेरिएबल का नाम, और इसके अंदर जो भी मैं वैल्यू लिखनी है वो लिख सकते हैं। फिर आता है कैर, एंड आता है बूलियन। कैर मतलब कैरेक्टर। इसका जो साइज होता है वो 2 बाइट्स होता है, जैसे कि 16 बिट्स, और इसे हम अनसाइन यूनिकोड कैरेक्टर भी कहते हैं। इसकी रेंज 0 से 65535 तक होती है। फिर आता है हमारा बूलियन। बूलियन का यूज हम लोग तभी करते हैं जब हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, और बूलियन में सिर्फ हम यही दो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। सो बूलियन का यूज हम ऐसी कंडीशनल जगहों पे करते हैं जहां पे हम या तो ट्रू दिखाना होता है या तो फॉल्स। आई होप आपको ये सब चीजें थ्योरेटिकली समझ में आ गई हो। अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं।
सो गाइस, अभी भी हम अपने फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा फाइल का ही यूज करने वाले हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप समझने के लिए। इस फाइल को हमने क्रिएट तब किया था जब हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझ रहे थे। आई होप अभी तक के आपने सीरीज के सभी लेक्चर्स को सही से फॉलो किया है, एंड अगर आपने कोई भी लेक्चर मिस कर दिया है तो प्लीज पहले सारे लेक्चर्स स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, देन इस लेक्चर पर जंप करिएगा। सो अब मैं आपको बताऊंगी प्रिमिटिव डेटा टाइप में कौन से डेटा कैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप में रखना चाहिए। थ्योरेटिकली हम वो चीज़ समझ चुके हैं, प्रैक्टिकली वो चीज़ देखने वाले हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटा है जैसे कि 74 हो गया, 85 हो गया, 32 हो गया, 0 हो गया, 20 हो गया, इन टाइप की वैल्यूज को किस टाइप के डेटा टाइप में जाके स्टोर किया जाएगा। सो हमने न्यूमेरिकल डेटा टाइप पढ़ा था। न्यूमेरिकल के अंदर एक हमारा डेसिमल था, एक हमारा नॉन डेसिमल था। तो ये सब हमारी नॉन डेसिमल है, तो नॉन डेसिमल के अंदर भी हमारा था इंट था, लॉन्ग था, बाइट था। सो अकॉर्डिंग टू अवर रेंज, लाइक यहाँ पे 74 है, 74 बाइट में भी आ सकता है, हमारा इंट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। बट अगर फ्यूचर में इसमें हम कुछ और ज़्यादा अपडेट ऑपरेशंस करने जा रहे हैं जहाँ पे इसकी वैल्यू उस रेंज के अबव जा सकती है, अगर बाइट की रेंज के अबव चली गई या इंट की रेंज के अबव चली गई या लॉन्ग के रेंज के अबव चली गई, तो उस बेसिस में हमें उसके हिसाब से यहाँ पे अपने डेटा टाइप्स को उस वेरिएबल में डिफाइन करना है। सो अब डिफाइन कैसे करना है, मतलब कि उस वेरिएबल को हमें उस डेटा टाइप में इनिशियलाइज कैसे करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मली हम इसके लिए इंट यूज करते हैं, देन वैल हमारा वेरिएबल का नाम हो गया है, इंट हमारा डेटा टाइप हो गया है, और इसमें 74 की वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी है। सिमिलरली हम लोग बाइट के लिए भी करेंगे और लॉन्ग के लिए भी करेंगे। अब हम जानेंगे फ्लोट और डबल के बारे में। सो एग्जाम्पल आप ये तीन वैल्यूज देख रहे हैं, ये तीन वैल्यूज कहाँ पे स्टोर होंगी? ऑफकोर्स ये हमारे न्यूमेरिकल के अंदर नॉन डेसिमल में तो स्टोर हो नहीं सकती है, इसको हम इंट में तो स्टोर करेंगे नहीं, और अगर स्टोर करेंगे भी तो उसके बेसिस पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, हमारा डेटा के साथ क्या होगा, ये हम बाद में जानेंगे क्योंकि हमारा टाइप कास्टिंग का टॉपिक है जो कि हम बाद में देखेंगे। सो इसे हमें करना या तो फ्लोट में है या तो डबल में है। फ्लोट की रेंज में अगर आ रहा है तो फ्लोट में, नहीं तो डबल की रेंज में आ रहा है तो डबल में। अभी हम इसे फ्लोट और डबल दोनों में ही कंसीडर कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी फ्लोट की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, और अगर हमें डबल करना है तो हम यहाँ पे बिना डी लिखे डबल की वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। एंड सिमिलरली हमारा एक कैर था, कैर के लिए हम कैर की वैल्यू को हम इस तरह इनिशियलाइज करते हैं। एंड उसके बाद आता है हमारा बुलियन, बुलियन की वैल्यू को हम इस तरह ट्रू या फॉल्स में इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आ गया हो और समझ में भी आया हो। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट मेंशन कर सकते हैं। एंड गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो कोई भी डाउट्स सॉल्विंग के लिए आप उस चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपके सभी डाउट सॉल्व हो जाएंगे। एंड फॉर आवर पर्सनल इंटरेक्शन आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके हमारी ज्वाइन कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो प्लीज सपोर्ट अस एंड फॉलो ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल प्रदीप ऑफिशियल। Thank you so much.